हाँ तो बच्चों कल आप लोगों ने चैप्टर टू में हिंदू अरबिक नंबर और रोमन नंबर के बारे में आप लोग देखे थे। कल मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक नंबर हिंदू अरबिक नंबर का रोमन नंबर में बताए थे कि आप कैसे लिख सकते हैं। आज बच्चों उस पर आधारित आप कुछ सवाल बनाएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है। एक नंबर में कहता है कि राइट द हिंदू अरबिक नंबर फॉर द फॉलोइंग, ये रोमन में दिया हुआ है, इसको आप लोग हिंदू अरबिक में लिखेंगे। तो रोमन में आप लोगों को कल 7 लेटर बताए थे, IVHLCDN। आई का मतलब 1 होता है, भी 5 को सूचित करता है, एच 10 को, एल 50 को, सी 100 को। तो इसमें 1 से 50 तक का ही नंबर आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, जबकि मैंने आप लोगों को 1 से 100 तक का रोमन नंबर लिखने की तरीका बताया था। तो अब आप देखिए इसको नंबर में कैसे लिखेंगे। ये भी और आई दिया हुआ है, भी का मतलब 5 होता है और आई का मतलब 1, तो 5 और 1 प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। इसमें एक्स का मतलब 10 होता है, 10 के बाद 1 दिया हुआ है तो ये 10+1 यानी 11 हो जाएगा। सी नंबर में 10, एक्स का मतलब 10, भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, 10+5+1, 10, 5, 15 और 1, इसका नंबर 16 हो जाएगा। उसी तरह आप ई में देखेंगे एक्स यानी 10, पुनः एक्स यानी +10 और 1+1, तो 10, 10, 20 और 1, ये हो गया 21। तो इस तरह बच्चों आप लेटर को एक एक देखते हुए ऐड करते हुए आप किसी भी रोमन नंबर को आसानी से नंबर में लिख सकते हैं। तो बच्चों एक नंबर सवाल में ए से एल तक सवाल दिया हुआ है, ए से एल तक रोमन में लिखा हुआ है, उसको आपको नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द रोमन नंबर फॉर द फॉलोइंग, ये हिंदू अरबिक में दिया हुआ है, इसको आपको रोमन में लिखना है। तो रोमन में कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है 26, तो 26 के लिए हम 10+10+6, 10+10, 10+10, 20 हो गया और बच गया +6, तो 6 का कोई रोमन नहीं होता है, तो उसके लिए 5+1 कर देंगे, भी और आई, अब हो गया 26। इसी 3 लेटर से आपको रोमन में नंबर बनाना है। बी नंबर में कहता है 30, तो 13 के लिए आप 10 बना दें और 3 के लिए डायरेक्ट 3 का कोई लेटर नहीं होता है लेकिन 1 का पढ़े आई, तो आई को 3 बार रिपीट कर दें। शुरू में ही हमने आपको बताया था कि किस लेटर को कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो 3 को 3 बार रिपीट कर देंगे तो 13 हो गया। सी नंबर में दिया है 21, एक्स का 10, फिर एक्स का 10 और 1 बच गया तो आई, इस प्रकार से ये हो गया 21।
x के लिए 10, फिर x के लिए 10, फिर x के लिए 10, 30 हो गया, अब बच गया 8, तो 8 के लिए हम लिखेंगे 5 + 1 + 1 + 1, ये हो गया आपका 38। तो बच्चों दो नंबर सवाल में भी आपको a से 8 तक दिया हुआ है, जिसे आपको अपने से बनाना है। थ्री नंबर में देखिए, एक तरफ रोमन नंबर दिया है और एक तरफ नंबर में लिखा है, और दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि दोनों में कौन बड़ी नंबर है। तो बच्चों इधर तो आप देख रहे हैं 17 है, इधर रोमन में पहचानिए कि ये कितना दिया हुआ है। x का मतलब 10 होता है, v का 5 और i का 1, तो कितना हो गया 10 + 5 = 15 और 1 = 16। इधर 16 दिया है, इधर 17, तो कौन बड़ा हो गया 17, 17 इज ग्रेटर देन 16। बी नंबर में इधर 21 दिया हुआ है, और इधर 20 और 5 के पीछे 1 है, यानी ये 4 हो गया, तो ये 20 + 4 यानी 14 दिया हुआ है, 24, तो इधर 24 दिया है, इधर 21 दिया है, तो दोनों में कौन बड़ा है 24 इज ग्रेटर देन 21, क्लियर। तो इस तरह फिर इतना ब्लैंक्स में आपको ए से एच तक नंबर दिया हुआ है, इसलिए आप जैसे इसको देखे हैं, कैसे बनाए हैं, उस तरह आप आगे की क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर भी फिर इतना ब्लैंक्स है, इसमें रोमन में नंबर दिया हुआ है, और उस रोमन नंबर को नंबर में तोड़ करके संख्या दिखाना है। जैसे यहाँ रोमन में भी आई लिखा हुआ है, तो भी आई का मतलब कितना नंबर हुआ, ये तोड़ते हुए नंबर को दिखाना है। तो भी का मतलब बच्चों 5 होता है, और आई का 1, 5 + 1 = 6। उसी तरह बच्चों ये 9 दिया हुआ है रोमन में, 10 के पीछे 1 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि हम 10 में से 1 माइनस करेंगे, पीछे के नंबर को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 1 माइनस हो गया, तो ये हो गया 9। उसी तरह बच्चों नीचे देखो, एक एक्स दिया हुआ है, एक्स का 10 हो गया, प्लस ये आई भी दिया हुआ है, भी का मतलब आप लोगों को 5 बताया गया है, और भी के पीछे जब आई दिया हो, इसका मतलब भी में से 5 में से 1 माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4, अब 4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, तो ये रोमन 14 दिया हुआ है। इस तरह से आप इसमें ए से एक्स तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपसे घर पर बनाएंगे। बस रोमन नंबर में आपको इतना ही सवाल 4 टाइप का पढ़ना है, हिंदू अरबिक से रोमन में बनाना, रोमन से हिंदू अरबिक नंबर नंबर में लिखना, और तीसरा रोमन और नंबर में ग्रेटर देन लेस देन पहचानना, और चौथा रोमन नंबर नंबर में कैसे बना है, इसी 4 टाइप का सवाल आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, क्लियर।